उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के तकरीबन 34 गांव के लोग पूरी तरीके से जिंदगी और मौत के साए के बीच दहशत भरी जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। तकरीबन 34 गांव में इस समय आदमखोर नरभक्षी भेड़िए का आतंक पूरे इलाके में हाहाकार मचाए हुए है। पिछले 1.5 महीने में आदमखोर नरभक्षी भेड़िए ने अब तक एक महिला समेत 8 मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया है, जबकि 45 से अधिक बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। इन नरभक्षी भेड़ियों को पकड़ने के लिए शासन के द्वारा 11 टीमें लगाई गई है। आलम यह कि भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह खुद राइफल लेकर लोगों के बीच गांव की निगरानी कर रहे हैं। अब तक महसी के हरदी और खैरीघाट क्षेत्र से 7 मासूम निवाला बन चुके हैं, जिसमें 3 साल से लेकर 7 साल के बच्चे नरभक्षी का शिकार बन रहे हैं। क्या नाम आपका? कैसे आपको पता चला कि आपके बच्चे को भेड़िया उठा ले गए? जब हम पीछे घूम के देखे भैया बहुत कह रहे थे, पीछे घूम के देखे तो भैया ना आ रहा है हमारा, तो हम देखे लागे पापा से कहें देखो, तो पंजा के निशान देखे तो ऐसे सब ढूंढे लागे, उसे से ढूंढी ढूंढी तब जाकर चड्डी पाई नहीं, तब ऐसे नार लमका पाई नहीं। क्या मांग करती हैं आप? हम यहाँ चाहे थे पकड़ जाए हमारा भैया। ओ भैया या के पीछे लागी रा भैया। बनमती जी का भी फोन आया था, टीमें और बढ़ाई जा रही हैं, ड्रोन भी नए खरीदे गए हैं और लगातार अब इधर रुक किया है, आगे बढ़ा है, तो संभावना बढ़ी है कि भेड़िया जल्दी पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो अपनी मान से जहां वो रह रहा था वो 10-5 किलोमीटर की एरिया में ही दाएं बाएं जा रहा था, लेकिन अब लगभग 20-22 किलोमीटर आगे बढ़ करके आया है, तो उम्मीद है पग मार्क भी उसके मिले हैं और वहां पर टीम भी तैनात है जो इसमें ड्रोन से सर्च कर रही है। बधावन साहब भी वहीं पर हैं, वहीं और अन्य भी DFO भी हैं, उम्मीद है कि पकड़ा जाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी इसकी समीक्षा कर रहे हैं, उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं और आपने देखा कि इसी केस से संबंधित 2 बार प्रमुख वन संरक्षक आदरणीय रेणु सिंह जी आ चुकी हैं। अब आप समझिए कि कितनी गंभीरता से ले रही हैं, घटना घटी है, वैसे DMSP आई हैं, सारे अधिकारी आए हैं, रात में ही DFO आ गए हैं, सर्च किया है, SO साहब आ गए हैं और कम से कम हमारे ख्याल से 150 से ऊपर की संख्या वन विभाग की, चाहे श्रावस्ती की हो, चाहे गोंडा की हो, चाहे बहराइच की हो, चाहे बधावन साहब नेतृत्व कर रहे हों, सब लोग लगे हुए हैं। सरकार पूरी निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ अपने अधिकारियों कर्मचारियों के साथ लगी हुई है और निरंतर जागृत कर रही है। ये नया क्षेत्र चुन लिया, उधर दबाव